हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको बताने रहा हूँ कि ये कैपकट में स्मूथ ट्रांजिशन, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा ही होगा, यूजिंग कैपकट कैसे बना सकते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो क्लिप में यूज़ कर रहा हूँ, ये पोस्ट GT9992 कार की वीडियो, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और ये ऑडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आपको ये ऑडियो मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ बीट ऑडियो पे बीट मार्क ऐड करना है। जस्ट यहाँ से प्ले करके बीट मार्क ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो ये जो क्लिप मैंने दे रखी है, उसको बीट के अकॉर्डिंग आपको जो भी क्लिप अच्छा लगे उसको एडजस्ट करके यहाँ कट आउट करके सेट कर देना है। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बीट मार्क के अनुसार आपको एडजस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट क्लिप के आने के बाद आ जाना है और यहाँ से आपको फेड इन आउट का इफेक्ट डाल देना है। यहाँ से यहाँ भी सेम यही करना है। ये फेडिंग आउट का इफेक्ट ऐड हो गया। अभी आपको फाइनल क्लिप पे आ जाना है और यहाँ पे आपको जो शेक इफेक्ट है यहाँ पे बनाना है। एनिमेशन में आके फ्लैश इन का इफेक्ट है जो वो आपको लगाना है और इसकी ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड रख देनी है और ऐसा ही आउट में फ्लैश का इफेक्ट लगा देना है। ये होता फोल्ड वाला जो इफेक्ट है वो भी आपको यहाँ लगा देना। इसकी भी ड्यूरेशन आपको घटा दीजिए 0.2 सेकेंड दोनों, और इसमें जो आपकी क्लिप है यहाँ कटआउट लगा है उस पर भी आपको एक शेक कर देना है जो कि है ब्लर।
ये वीडियो क्लिप के अंदर एनिमेशन देगा और ये आपकी कट हुई क्लिप पर एनिमेशन देगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्लर सेक्शन में आ जाना है और यहाँ वर्टिकल ब्लर भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसका 0.2 सेकंड रख लेना है। और यहाँ से अप्लाइड कोल की फ्रेम कर देना है। इतना करने के बाद आपको सभी क्लिप पर साइड बाई साइड जो लास्ट में फूड वाला एनिमेशन था वो सब पे ऐड कर देना है। उसका ड्यूरेशन सबका 2 सेकंड अकॉर्डिंग रखना है। इसमें जो आउट का है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना है। और ऐसा ही आपको सभी क्लिप पर ऐड कर देना है और आपका फाइनल रिजल्ट रेडी हो जाएगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।